गुड मॉर्निंग। पिछली कक्षा में हम लोगों ने वर्ण के बारे में पढ़ा था। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई, ये मैंने बताया था। और फिर मैंने उसी में आगे बताया था कि वर्णों को जोड़कर शब्द बनाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, शब्दों के बनने के लिए कम से कम दो वर्णों का होना जरूरी है, और दोनों वर्ण जो होंगे वो मिलकर के एक शब्द बनाएंगे, और वो शब्द सार्थक होना चाहिए, यानी शब्द का कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ तीन में शब्द और वाक्य के बारे में। पाठ तीन, शब्द और वाक्य। इस लेसन में पार्ट तीन में दो टॉपिक आपके बुक में है, शब्द और वाक्य, पेज नंबर 16। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे शब्द के बारे में। जैसा कि अभी अभी मैंने आपको बताया, पिछली कक्षा में हम लोगों ने जाना कि वर्णों को जोड़ करके शब्द बनाए जाते हैं। तो कम से कम शब्द बनाने के लिए दो वर्णों का होना जरूरी है। दो वर्ण होंगे तभी आप एक शब्द बनाते हैं। जैसे कि आप एलकेजी यूकेजी में पढ़ चुके थे, घर घर, दो वर्ण है घ और र, तब आपने एक शब्द बनाया घर मकान, सार्थक शब्द हो गए, यानी जो भी आपने शब्द बनाया उसका कोई ना कोई अर्थ निकला। उसी तरह से तीन वर्ण से आप बना सकते हैं, मगर 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 मच्छ। चार वर्ण आप जोड़ के बना सकते हैं, अ ज ग र अजगर। तो इसका अर्थ यह है कि शब्द का निर्माण करने के लिए दो वर्णों का होना आवश्यक है। देखिए बुक में पेज नंबर 16। बच्चों, हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा कि हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण है, स्वर और व्यंजन को मिलाकर। इन्हीं वर्णों के मेल से शब्दों का निर्माण होता है। वर्ण को मिलाने से शब्द बनते हैं। जैसे पहला देखिए पिक्चर में दिया हुआ है, शब्द है बुआ। बुआ में तीन वर्ण का प्रयोग हुआ है, कौन कौन से वर्ण है? बुआ, तीन वर्ण है ब उ और आ। ये तीन वर्ण आपने मिलाया तब आपने एक शब्द बनाया बुआ। हलंत आपको मैंने पिछली कक्षा में ही बताया था, जिसमें जिस व्यंजन वर्ण में से स्वर वर्ण निकला हुआ होता है उसको हम लोग हलंत या तिरछी रेखा से दिखाते हैं। तो इसमें से देखिए उ और आ, दो वर्ण जो है यहाँ लिखा है, जिसमें से ब में से उ वर्ण निकला है, ब और उ जोड़कर बना है बु, और आ स्वर वर्ण। दोनों तीन वर्णों को मिलाकर के दो वर्णों का एक शब्द आपने बनाया बुआ। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल आपके बुक में दिया है पेड़। प ए र और अ, प ए र और अ, चार वर्ण आपने मिलाया तब आपने एक सार्थक शब्द बनाया पेड़। तीसरा उदाहरण है आपके बुक में टोकरी। वर्ण को तोड़ के बताया, ट ओ क अ र और ई, छह वर्ण आपने मिलाया तब आपने एक शब्द बनाया टोकरी। वही मैंने आपको बताया, वर्णों के मिलने से, सार्थक वर्णों के मिलने से आप शब्द बनाते हैं। वर्ण जब मिलेंगे तब आप एक सार्थक शब्द बनाते हैं। आपके बुक में परिभाषा में लिखा हुआ है, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं।
यानी शब्द बनाने के लिए कम से कम दो वर्ण का होना जरूरी है। वही उदाहरण आपका दिया हुआ है, बहुत सारा है, तीन वर्ण से आपका दिया है बुआ, चार वर्ण से आपका शब्द बनाया है पेड़, और छह वर्ण से आपका शब्द बनाया है टोकरी। दो वर्ण से मैंने आपको शुरू में भी बताया हल, कल, चल, पर, ये सब जो है दो वर्णों के शब्द है। तो शब्द के लिए कम से कम दो वर्णों का होना जरूरी है। आपके बुक में परिभाषा दी हुई है शब्द की, येलो कलर से है, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। यानी आप जितने भी वर्ण से बनाए उससे बना हुआ शब्द जो है उसका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। सार्थक वर्णों को जोड़कर जो आपने शब्द बनाया, इस शब्द का कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। सार्थक का मतलब है अर्थ के साथ। अब कम से कम दो वर्ण होना चाहिए, और दो वर्ण हो, तीन वर्ण हो, चार वर्ण हो, कितने भी वर्ण आप प्रयोग करें, जो भी आप शब्द बनाएंगे उसका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। यही आपकी परिभाषा आपकी बुक में भी दी हुई है, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। यानी शब्द के लिए कम से कम दो वर्णों का होना जरूरी है। उसके बाद हम लोग आएंगे शब्द के प्रकार। आपके बुक में है शब्दों का वर्गीकरण, सेम है शब्द के कितने प्रकार हैं, एक बार देख लीजिए। शब्दों को तीन आधार पर बांटा जाता है। शब्दों को तीन आधार पर बांटा गया है। पहला आधार है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, उस आधार पर शब्द का पहला आधार का नाम पड़ा उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार प्रकार हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार प्रकार हैं। पहला प्रकार है शब्द। तत्सम का अर्थ है संस्कृत के शब्द जो उसी तरह हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं बिना अर्थ बदले। संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा में उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं। देखिए बुक में, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में भी अपने मूल रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, या संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका हिंदी में भी उसी रूप में प्रयोग किया जाता है। संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा में उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे हम लोग हिंदी में प्रयोग करते हैं सूर्य, अग्नि, कार्य, नदी, प्रकाश, जल, क्षण, आनंद आदि, ये सारे शब्द संस्कृत भाषा के शब्द हैं।
जिनको हम लोग हिंदी भाषा में भी प्रयोग करते हैं, इसलिए इनका नाम पड़ा तत्सम शब्द। संस्कृत के शब्द जो हिंदी भाषा में अपने उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं। दूसरा आता है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं अपना अर्थ बदल के, यानी जो आपने तत्सम में वर्ष यूज किया था शब्द सूर्य, अब आप तद्भव में बोलेंगे सूरज। तो संस्कृत के ऐसे शब्द जो परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में आए हैं, जैसे आपने यहाँ पर एक शब्द यूज किया, अभी मैंने बताया सूर्य, हिंदी में आप बोलेंगे सूरज। जल तो आप हिंदी में बोलेंगे पानी। तो तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द जो अपने उसी रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। तद्भव शब्द जो अपना अर्थ बदल करके हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। देखिए बुक में तद्भव शब्द ख संस्कृत भाषा के वे शब्द जो परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में आए, यानी कि जो हिंदी में अपना अर्थ बदल कर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं तद्भव शब्द। बहुत सारे एग्जाम्पल उदाहरण आपके बुक में है, कार अंधेरा, आग सूरज, सांप आदि। और तत्सम रूप ब्लैकेट में दिया हुआ है, देखिए कान ये आपका तद्भव है, तत्सम आप लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे कर्ण। दूसरा है अंधेरा, अंधेरा आपका तद्भव शब्द हो गया। अब आपको उसका तत्सम लिखना होगा तो आप लिखेंगे अंधकार। तीसरा दिया हुआ है आग, आग जो है वो तद्भव शब्द है, लेकिन अगर आप तत्सम लिखेंगे तो आप लिखेंगे अग्नि। चौथा दिया हुआ है सूरज, सूरज जो है वो तद्भव शब्द है, और जब आप तत्सम लिखेंगे तो आप लिखेंगे सूर्य। पांचवा दिया हुआ है सांप, सांप जो है वो भी तद्भव है, संस्कृत आप लिखेंगे सर। संस्कृत भाषा के शब्द जो उसी रूप में हिंदी भाषा में आते हैं, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो अपना अर्थ बदल करके हिंदी भाषा में आते हैं उन्हें कहते हैं तद्भव। तीसरा आता है आपका देशज शब्द, देशज शब्द तीसरा जाने के पहले हम लोग तद्भव में आपका बहुत सारा ब्लॉग बना हुआ है पेज नंबर 17 में ऊपर में तत्सम और तद्भव, तो यहाँ पे आप इस कॉलम के ऊपर लिखिए लर्न, ये आपको याद करना है, ये एग्जाम में आता है, इनके तद्भव रूप लिखे, यानी संस्कृत के शब्द दिए रहेंगे आपको उसका हिंदी लिखना है, या तद्भव दिया रहेगा आपको उसका तत्सम रूप लिखना है, यानी हिंदी का संस्कृत लिखना है। तो ये कॉलम आपको याद करना है, यहाँ पे आप लिखिए लर्न। पहला दिया है अंध, तत्सम शब्द तद्भव उसका हिंदी है अंधा। दूसरा दिया हुआ है कर्ण, तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द हिंदी उसका तद्भव हो जाएगा काम। तीसरा दिया हुआ है माता, संस्कृत के शब्द है इसलिए इनको कहेंगे तत्सम शब्द, तद्भव उसका हिंदी होगा माँ। दुग्ध तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द तत्सम, तद्भव उसका हो जाएगा दूध। लोक तत्सम शब्द है, तद्भव आप उसका लिखेंगे लोग। फिर राइट साइड आइए, एक और कॉलम बना है तत्सम और तद्भव का, तत्सम शब्द त्वरित, तद्भव रूप उसके सामने लिखा हुआ है तुरंत। सत्य तत्सम शब्द उसके ठीक सामने उसका तद्भव रूप लिखा हुआ है सच।
सॉय। तत्सम शब्द तद्भव, उसके सामने लिखा हुआ है शाव। हस्त तत्सम तद्भव रूप है हाथ। चंद्र तत्सम शब्द तद्भव दिया हुआ है चार। इस कॉलम को आप याद करेंगे। अब आएंगे तीसरा है आपका देशज शब्द। देशज हिंदी भाषा के कई ऐसे शब्द जो बोलचाल में प्रयोग किए जाते हैं। भाषा के कई ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उनको कहते हैं देशज शब्द। कई सारे भाषाओं से, हिंदी की भाषाओं से, बोलचाल की भाषा में का बहुत सारे शब्दों का प्रयोग हम हिंदी भाषा में करते हैं, उन्हें कहते हैं देशज शब्द। देखिए बुक में, देश में बोली जाने वाली अनेक भाषाओं के शब्द जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें कहते हैं देशज शब्द। जैसे कि नाम से ही क्लियर है देशज, देश में अपने देश में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें कहते हैं देशज शब्द। जैसे पत्थर, गाड़ी, रोटी, थैला, पगड़ी, पैसा आदि। और चौथा है विदेशज शब्द। विदेशज विदेशज शब्द ऐसे शब्द जो दूसरे देशों की भाषाओं से हमारे हिंदी भाषा में आए हैं, हमारे देश की भाषा के शब्द नहीं है, ये दूसरे देशों की भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हैं, इसलिए इनका नाम है विदेशज शब्द। जैसे हम लोग यूज करते हैं, आपके बुक में दिया है चाकू। चाकू हम लोग हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, लेकिन चाकू हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, यह तुर्की भाषा का शब्द है। दूसरा दिया हुआ है गर्दन। गर्दन ये भी हम लोग हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, इस शब्द का भी हम लोग प्रयोग करते हैं। गर्दन हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, यह फारसी भाषा का शब्द है। तीसरा दिया है कार्टून। कार्टून भी हम लोग हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, कार्टून चैनल। कार्टून जो है वो अंग्रेजी भाषा से आया हुआ शब्द है। उसी तरह से कॉलेज, कॉलेज भी अंग्रेजी भाषा से आया हुआ शब्द है। किताब जो है वो अरबी भाषा से लिया हुआ शब्द है। तो दूसरे देशों की भाषाओं से आए शब्द जिनका प्रयोग हम हिंदी भाषा में करते हैं उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। एक डेफिनेशन देख लीजिए, जो शब्द दूसरे देशों की भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हैं ऐसे शब्दों को विदेशज शब्द कहते हैं। उसके नीचे आइए, दो कॉलम बना होगा आपके बुक में, लेफ्ट में दिया हुआ है देशज शब्द और राइट साइड में आपके बुक में है विदेशज शब्द। वहां भी लिखिए लर्न, याद करना है आपको। शब्द दिए हुए रहते हैं, आपको बताना है दिया हुआ शब्द या दिए हुए शब्द विदेशज भाषा से है या देशज भाषा से है। जैसे पहला दिया है देशज भाषा में झाड़ू, दूसरा है लोटा, तीसरा है टांग, चौथा पेट, पांचवा है जूता, छठा दिया हुआ है पगड़ी, सातवां है झोला, आठवां है तेंदुआ, नौवां शब्द दिया हुआ है खिड़की और दसवां शब्द दिया हुआ है पैसा। उसी तरह राइट साइड में जाइए, विदेशज शब्द, इसमें जितने सारे शब्द दिए हुए हैं उनका प्रयोग हम हिंदी भाषा में करते हैं, लेकिन ये सारे शब्द हिंदी भाषा के नहीं है। चलिए जानते हैं कैसे कैसे हैं, कहां कहां से लिए गए हैं। जैसे पहला दिया है अखबार। अखबार जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। उसी तरह से आदमी, कुर्ता अरबी भाषा के शब्द हैं।
जबकि अलमारी चौथा शब्द पुर्तगाली भाषा से हिंदी भाषा में लिया गया है, पेंसिल अंग्रेजी भाषा, अदालत अरबी, गुब्बारा और कैंची तुर्की, कमरा पुर्तगाली और कंप्यूटर अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में लिया हुआ शब्द। तो आज हम लोगों ने पढ़ा है शब्द के बारे में, उसमें मैंने आपको बताया वर्णों को जोड़ करके शब्द बनते हैं, वर्ण दो, कम से कम दो होना जरूरी है, दो या दो से अधिक हो सकते हैं, लेकिन कम से कम शब्द बनाने के लिए दो वर्णों का होना जरूरी है। शब्द दो या दो से अधिक सार्थ, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, यानी आपने जो भी वर्ण जोड़कर शब्द बनाया, या वो दो वर्ण को बनाया मिलकर मिलाकर बनाया, तीन वर्ण को मिलाकर बनाया, चार वर्णों को मिलाकर बनाया, जो भी शब्द आपने बनाया उन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए, सार्थक शब्द होने चाहिए। तो वर्णों के लिए दो, कम से कम दो वर्णों का होना जरूरी है, दो या दो से अधिक वर्ण भी हो सकते हैं। वही परिभाषा आपके बुक में दी हुई है जो मैंने शुरुआत में ही बताया, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया शब्दों का वर्गीकरण, शब्द को कितने आधार पर बांटा गया, जिसमें से हम लोगों ने आज पढ़ा है पहला आधार उत्पत्ति के आधार पर, उसमें मैंने आपको बताया शब्द के चार प्रकार हैं। पहला मैंने आपको बताया तत्सम शब्द, यानी संस्कृत भाषा से लिए हुए शब्द जो उसी रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है सूर्य का, साधारण बोलचाल की भाषा में हम लोग सूर्य का प्रयोग करते हैं हिंदी भाषा में, जबकि सूर्य जो है वो तत्सम शब्द है, उसी तरह से हम लोग प्रयोग में लाते हैं जल, जल जो है वो आपका संस्कृत शब्द है। दूसरा बताया मैंने आपको तद्भव शब्द, संस्कृत के ऐसे शब्द जो अपना अर्थ बदल करके हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया इसमें अभी जल, तो जल को हिंदी में हम लोग क्या लिखेंगे, पानी, सूर्य हिंदी क्या हो जाएगा, सूरज, है ना। तो ये संस्कृत के शब्द हो गए, ये संस्कृत भाषा के शब्द जो हिंदी भाषा में बदल कर आए। तीसरा है देशज शब्द, हमारे भारत में बोले जाने वाली भाषाओं के शब्द जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे मैंने आपको गाड़ी का एग्जाम्पल दिया, थैला है, पगड़ी है, ये सब देशज भाषा है। चौथा मैंने आपको बताया विदेशज शब्द, दूसरे भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्द कहलाते हैं विदेशज शब्द। इसमें मैंने आपको बताया अलमारी के बारे में, अलमारी पुर्तगाली शब्द है, अखबार आपका अरबी शब्द है, कार्टून अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो बहुत सारे ऐसे शब्द जो हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं लेकिन वो दूसरी भाषा से हिंदी भाषा में आए हैं। तो आज हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा, उसमें मैंने आपको दो होमवर्क दिया है। पहला मैंने आपको बताया पेज नंबर 17 में जो ऊपर ब्लॉक बना हुआ है इसको आप याद करेंगे, ये एग्जाम में आता है। और दूसरा मैंने आपको बताया देशज और विदेशज जो ब्लॉक बना हुआ है आपके बुक में उसको भी आप याद करेंगे, कौन कौन से शब्द देशज हैं और कौन कौन से शब्द विदेशज हैं, ये दोनों आप याद करें। ओके, हैव अ नाइस डे।